अरे बाबा ये क्या कर रहा है तू? मौत को गले लगाना चाहता है। Right, friends, assalamualaikum. Welcome to yet another Aashi Daily Vlog. इससे पहले कि हम अपने सफर को स्टार्ट करें, हमारे साथ मौजूद है इखलाक अहमद वाघो, ऊंचों को नीचे कर ले, ओके। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमन पठान। अमन साहब क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? हम आपको अपने व्लॉग में वेलकम करते हैं। वेलकम सर। वेलकम हम करते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आज का सफर बड़ा रंगीन होने जा रहा है क्योंकि एक इखलाक और दूसरा पठान मुकाबला होने जा रहा है। देखते हैं कि आज की ये जंग कौन जीतता है। तो भाई आज एक बहुत ही खतरनाक न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और वो न्यूज ये है कि हमने जिस तरीके से बर्गर बच्चे रेस्टोरेंट हमने स्टार्ट किया, आपको पता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे फैंस हमसे मिलने के लिए वहां पे आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन स्पेशली मैं आज थैंक्स करूंगा हमारे एक बहुत ही जबरदस्त हमारे व्यूअर, हमारे फैन, हमारे चहीते शहबाज भाई, जो के लाहौर से आए थे। स्पेशली लाहौर से बंदा आया है यार हमसे मिलने के लिए। हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें जो है कारोबार चाहिए, बिजनेस चाहिए, हमारी हेल्प करें। नया बिजनेस है, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो यार एक बंदा लाहौर से कराची जा रहा था वो, लेकिन फिर भी उसने बीच में से कट मारा है, हैदराबाद आया है और हमसे आके मिला है। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। ये मोहब्बत है जी, ये मोहब्बत है। और साथ में केक लेकर आया क्योंकि मेरी 26 जनवरी को मेरी बर्थडे आने वाली है। शहबाज भाई को आई डोंट नो कैसे पता चला, वो केक लेके आया कि आशी भाई के साथ केक काटेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनको लेके गया हुआ था। तो शहबाज भाई सॉरी यार, मीटअप नहीं हो सका। लेकिन मैंने दूसरे दिन आपका इंतजार किया शहबाज भाई, पूरा दिन कि अभी शहबाज भाई आएंगे और हम लोग केक काटेंगे। लेकिन अगर अभी भी आप हैदराबाद में हैं तो आइए प्लीज, केक काटने मैंने आपके साथ। हमने बर्गर बच्चे पर फूड का बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता है। अब होम डिलीवरी का सीन, होम डिलीवरी का सीन। अब तो आप रोड्स की सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत बिजी एरिया चल रहे हैं, मतलब हर जगह पर ट्रैफिक है, लोग फंसे फंसाए। हालांकि अभी हम सैटरडे मॉर्निंग बहुत सुबह सुबह हम निकले हुए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक है। ये जो अमन बैठे हुए, ये हमारे पास बारबेक्यू का काम करते हैं और बहुत अच्छा, बहुत आला, मतलब कारीगर है ये। लेकिन कल क्या हुआ कि हमारे पास राइडर्स शॉर्ट पड़ गए ना, कम पड़ गए। दो बंदे हमारे पास राइडर्स हैं और वो कम पड़ गए। ऑर्डर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे थे। अब सीन क्या हुआ, हमने अमन को भेजा, ये पठान है हमारा दोस्त, तो हमने अमन को भेजा दूसरे ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल में कि भाई तू जाके ऑर्डर करके आ। ठीक हो गया। अब वो भी पठान, अब कहते ना पठान को सिर्फ पठान ही समझा सकता है। तो पठान भाई दोनों निकले और हुआ ये कि हमने अमन भाई को बोला कि फला सेंटर और फला डेरी वाला, इसके बीच वाला घर है, तो आपने यहाँ पर डिलीवरी पहुंचानी है। अब क्या हुआ, बंदा फोन कर रहा है वहां से कि यार मैं डेरी पे खड़ा हूँ, आपका बंदा अभी तक आया नहीं है। हमने अमन को फोन किया कि अमन भाई कहाँ पहुंचे हो? तो उसने कहा सर अब तो सेंटर पे खड़े हैं। ओके, मैंने बंदे को बोला कि आप जो है वो सेंटर पे खड़े हैं, वहां चले जाओ। थोड़ी देर के बाद अमन को मैंने फोन किया, अमन तू कहां पर है? सर मैं तो डेरी पे खड़ा हूं। वो बंदा मुझे कंटिन्यूस फोन कर रहा है कि सर आपका बंदा आया ही नहीं। अब तकरीबन एक घंटा ये डेरी पर जाए वो सेंटर पर आए, वो डेरी पर जाए वो ये सेंटर पर आए। क्या हुआ था अमन भाई वो सीन रात को? सर वो सीन ऐसा हुआ था कि वो डेरी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने अड़ोस पड़ोस वाली कोई फेमस जगह नहीं बताई थी। डेरी फेमस है यार? सर नहीं है फेमस इतनी, क्योंकि दो तीन डेरी थी। मैं एक डेरी पे खड़ा हुआ था, वो दूसरी भी डेरी बता रहे थे, इसलिए मैंने भाई से फिर पूछा। भाई ने बोला कि बैंक नसीम नगर वाली जो आपने देखी है वहाँ पे आ जाओ, तो वो फेमस थी, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस बताया, तो 10 मिनट में ऑर्डर पहुँच गया। मेन मसला ये है कि सर आसिफ को पता नहीं था, शायद भूल गए थे कि ये पठान है। कि भाई
होम डिलीवरी वाला कभी भी पठान नहीं रखो, पठान वहीं जा खड़ा होगा जहाँ पे नस्वार की दुकान होगी, तो ये वहीं पे जाके खड़ा हो गया भाई। बात ये है सीधी। बाकी अमन उस एक डिलीवरी के लेट होने की वजह से हमारे सारी डिलीवरी लेट हुई है। कलम नहीं, इतने जलील हुए कलम। ये बारबेक्यू वाला बंदा चला गया, दो तिक्के जल गए। आप आगे चले गए सर, हमने कहाँ जाना है? उधर ही खड़े करते सर पे। यार ये देखो फिर वही पठान, इधर भी बस एड्रेस सही नहीं बताया, ये होम डिलीवरी के लायक ही नहीं भाई। भाई पठान को सिर्फ पठान ही समझा सकता है मेरी जान। हमने जहाँ पे जाना है वो रॉन्ग साइड होता, मोटरसाइकिल नहीं है भाई, ये जहाज है। अभी यूं करके यूं आते हैं और यूं जाके यूं करके रोकेंगे। ओके ओके सर ओके। ए बाबा ये क्या कर रहा है तू? मौत को गले लगाना चाहता है? अरे नवाब, जिंदगी का मजा जब आता है मौत की उंगली थाम के भागा जाए। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ भाई लोग, तो अमन हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम व्लॉग में शामिल हुआ है, तो अमन के लिए मैं लाया था एक गिफ्ट। एक पर ठहरेगा, निकालो अमन के लिए लाया हो क्या? चेह रहे हो आप? ये देखे भाई, ये अमन के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक अदर टी शर्ट जो कि दो दिन से मैंने संभाल के रखी हुई थी कि अमन आएगा तो उसको मैं खुद अपने हाथ से दूंगा। और इखलाक भाई से अभी तक कैमरा संभाल ही नहीं जा रही है। इखलाक भाई उम्र निकल गई, हाथ कांप रहे, इखलाक की कमजोरी हो गई। इखलाक ऐसे कौन से काम करता है कमजोरी वाले? तो नहीं नहीं कमजोरी सर, रात को नींद शायद नहीं की है, शायद के साथ नहीं सोता हूँ, असलम के साथ सुराज के लिए। अच्छा, असलम के साथ। अमन साहब ये आपका गिफ्ट सर। थैंक यू सर, यो वेलकम। कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा सर। सर लेकिन आप पहन के देखें, ये जनानी है। अब हम आ गए सर। हाँ ओए, ओए, सर, सर पेड कंटेंट नहीं है, नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है, जिसका भी आप लें उसका नाम नहीं लेना है, आपको लेना है खाली। हाँ भाई, तो अमन साहब आज शाम को आप पेंट पहन कर आएंगे जी सर, और इसी ही टी शर्ट में नजर आएंगे सर। चड्डी भी चल जाएगी, चड्डी भी चल जाएगी, पैंट के अंदर होगी, लेकिन वो पैंट के अंदर होगी। ठीक है, ओके ओके। ऐसे कौन से दो पड़ोसी हैं जो आपस में बनते ही नहीं है लेकिन साथ रहना है उनको? शेर है सर। शेर है जी, मतलब बबर शेर। बबर शेर क्यों? रहना पड़ेगा लेकिन बनते नहीं है। एक दूसरे को देखते तो है ना? देखते हैं, ये देखते भी नहीं है एक दूसरे को, अंधे होंगे फिर सर शेर। यार तू पठान, वाकई पठान है भाई, तू नस्ली पठान है तू। किसकी बात कर रहा तू, बता देना तू भी यार। आंखें, आंखें, वाह यार वाह वाह। आंखें एक ऐसी चीज है जो तू एक दूसरे को नहीं देखती है। कहाँ देखती है? आप मुझे देख रहे हो, मेरी आंखें तेरे को देख रही है ना। ऐसे तो तू पता नहीं कितने कस्टमर घर लेके जाता है उनको तू देखता है। कस्टमर को देखता है ना। चलो क्या बेच रहा है आजकल अमन? वो कौन सी चीज है जी सर जो जाने के बाद वापस नहीं आती? जाने के बाद मौत सर। क्यों, जवानी वापस आ जाती है? जवानी वापस आती है? कहाँ आती है जवानी वापस? मौत वापस नहीं आती सर। ये बात अमन ने बात लॉजिकल की है, दोनों जगह पर बब्बर शेर, उसके बाद मौत, मौत, ये बात इसे सही की। चलो वो कौन सी चीज है जो आने के बाद नहीं जाती? आने के बाद नहीं जाती, वापस नहीं जाती जो है वो तो औलाद है सर। औलाद आने के वापस नहीं जाती? नहीं वापस मर भी जाती औलाद, मर जाती है सर, वापस नहीं जाती। तो बोल कस्टमर हमारे घर पे आते वापस जाते नहीं? वापस भी आते सर। जाते वापस? हाँ वापस आते। अब वे जाते होंगे वापस, आते भी है, आते है तो वापस जाते भी है सर। अब भाई माफ कर दो, बुढ़ापा 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 आने के बाद वापस नहीं जाता है? नहीं जाता फिर। अच्छा सब्जियों में बता, सब्जियों का बादशाह कौन है? सब्जियों का बादशाह सर आम है। बताओ ये सब्जियों का बादशाह आम है? अबे वो तो फ्रूट है, फ्रूट है भाई। सब्जियों का बादशाह सर पता नहीं कौन है, जिसके सर पे ताज है वो है प्याज है। प्याज, प्याज के सर पे ताज कहाँ से आ गई? सर ताज है ना प्याज का ऊपर से। अबे बैंगन, बैंगन कहाँ से ताप ताप? मेरे ख्याल से आज डोज अमन के लिए इतना काफी है, अमन को बोलने भी लाड़ा ऊपर करते। आज असल में उसने
गोश्त तो लिया है लेकिन अपना गोश्त कहीं गुम हो गया है। हाँ भैया जी, तो एक जिम्मेदार बाप होने के नाते से अभी बच्चों का ट्यूशन का टाइम हुआ चाहता है। ये देखिएगा कैरेक्टर नंबर वन मोहम्मद ऑन अंसारी। मोहम्मद ऑन, क्या हाल है आपके? हाँ, पढ़ाई अच्छी लगती है तेरे को? इधर इधर देख के बात, कैमरा की आंखों में आंखें डाल के फिर बात कर। इधर इधर कैमरा में आंखें मिला पहले। पढ़ना अच्छा लगता है तुझे? अरे फिर आंखें हटा दी, इधर देख। हाँ अब बोल, तुझे कैमरा, एक मिनट ठहर, पहले मेरी बात पूरी सुन। तुझे पढ़ाई अच्छी लगती है? झूठ बोल रहा है, तेरी शक्ल से लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। ये सारे लड़के ऐसे क्यों होते हैं? कैरेक्टर नंबर टू अनुशेष। सलाम अलैकुम अनुशेष, कैसी हो? तबीयत ठीक है? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये बंडून है? बलून है, बलून, ओके। और ये अलवीना, अलवीना आप कैसी हो? ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? पापा भी ठीक। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी चीजें कहाँ से लाई हो? बाजी ने दी है। चलो भाई चले। ट्यूशन टाइम? अनिशा ट्यूशन में जाएगी? ओके चलो भाई, 1 2 3 गो। ओके ओनू, अल्लाह हाफिज। हंस के तो दिखा दे जाने से पहले। अल्लाह हाफिज। आप ट्यूशन नहीं जाती हो? बेबी इधर जाएगी? हाँ। अनुषे इधर तो देखो। ओनू बाबा है। एंड व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अनुचे। चलो बुम बुम बट कर दो जल्दी से। तो आज हम मौजूद है बर्गर बच्चे पर, और समझ तो गए होंगे मेरे होलिये से मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुकिंग का काम नहीं चल रहा। हमारे एक बहुत अच्छे व्यूवर आए हैं लाहौर से, शहबाज भाई। और शहबाज भाई को आई डोंट नो कहाँ से पता चला, लेकिन उनको पता चला कि मेरी बर्थडे है, और शहबाज भाई जो है ये लेकर आए। वो जरा केक का छोटा सा बिरोल एंजॉय कर, इसका वापस आ। हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर काशिफ है, जाऊ भाई है, शहबाज भाई है, शहबाज भाई आ रहे हैं फोकस में, आ रहे हैं ना, और इखलाक भाई है। अब भाई तो केक पे लिखा हुआ है आशी डेली ब्लॉग्स एंड बर्गर बच्चे जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। तो आशी डेली ब्लॉग्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, वो भी शहबाज भाई के साथ। शहबाज भाई यहाँ बड़ी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत का। सर आपने हमें प्यार में जो है ना, मैं देखें क्या बात है, प्यार है आप, लेकिन असल में प्यार तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी अच्छा है भाई। अभी हैप्पी बर्थडे मेरी होने जा रही है, और मैं अपनी बर्थडे का सबसे पहला केक बर्गर बच्चे में काट रहा हूँ, कुछ देर के बाद मेरी एक्चुअल बर्थडे पर सेलिब्रेट होगी। तो आज ये पहला केक मैं काटने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ जाओ भाई सब दोस्तों, आ जाओ हैप्पी बर्थडे टू मी। ये हमारे पास सॉरी वो गोश्त काटने का थी, उससे हम काम कर रहे हैं। साई ये गया, क्या बात है साई, ये चीज मेरे अजीज भाई। सबसे पहले शहबाज भाई, हमारे जो गेस्ट, नहीं सर गेस्ट है हमारे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केक शहबाज भाई लेकर आए, शहबाज भाई लेकर आए, इसलिए पहले नमक हलाली कर रहे डॉक्टर काशिफ। इसके बाद इखलाक सर, क्योंकि शहबाज भाई का नाम जैसा है, शहबाज बिल्डिंग, हम सारे ऑफिसर बैठे हैं। कहाँ कह रहे थे तू तो करते, कहाँ कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो भाई, मुझे भी दो यहाँ, तेरे को दू कहाँ से, तू हुकुम कर, चाहे जाओ भाई।
ओके टेक भाई, हैप्पी बर्थडे टू मी। आज हम तीनों इसे गिफ्ट देंगे। अच्छा, लेकिन क्या बात, एक एक जना अलग अलग से देगा और 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा। ये एडिट करो, ये काट देना काट, हमारे पास कुछ एडिट नहीं चलता। ये 18 प्लस व्लॉग हो रहा है, ये जहाँ होता है 18 प्लस। मैं ये कहने वाला था इखलाक जिस व्लॉग में होगा वो 18 प्लस ही होगा। मेरा ट्यून नहीं होगा, ट्यून चलो सही है। शहबाज भाई जजाकल्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पहले दिन में मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन आज हुई, बड़ी खुशी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। भाई डॉक्टर साहब, इखलाक डॉक्टर साहब, मैं, शहबाज भाई और जाऊ भाई कैमरा के पीछे, हम लोगों ने सब ने मिलकर इंजॉय किया इस टाइम को। आप लोग भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को सही तरीके से सेलिब्रेट करना सीखे, इंजॉय करना सीखे। इंशाल्लाह मिलेंगे अभी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट। तब तक लिए सी आप हमारे हाफिज़।